गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेकअप एंड लाइफस्टाइल विद दीपिका। मैं हूँ दीपिका। आज 22 अप्रैल, फोर्थ सैटरडे, सो पार्ट की छुट्टी है आज। आज लंच बाहर करेंगे, पहले से ही प्लान किया है, तो इस टाइम पे आपको सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा शोर, क्योंकि मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ, तो यहाँ रहने से आसपास का जो चीज़ें चलती रहती है उसी का शोर होता रहता है आवाज़। बस मैं बना चुकी हूँ और उसका मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाया है, जो मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो आपने शायद देखा होगा। तो रोटी सब्ज़ी मैंने बनाया था, तो अगर आपने देखा नहीं है तो बता देती हूँ, मैंने रोटी सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी। अभी 11 बज चुके हैं, तो पार्थ नाश्ता करके गए हैं नहाने, तो उनके निकलने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। सोचा है थोड़ा निकलेंगे बाहर, लंच करेंगे कहीं बाहर जाके, उसके बाद थोड़ा मार्केट भी जाना है, थोड़ी घर की शॉपिंग है। तो देखिए मेरे इस वीडियो को एंड तक, आई नो आपको अच्छा लगेगा। और जितने भी लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए आगे का दिन कैसे बीतता है हमारा। तो थोड़ा बाहर का व्यू भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ तो हमारा जो फ्लैट है वो रोड साइड नहीं है, मतलब रास्ता नहीं दिखता, तो इसलिए कभी कभी थोड़ा बोर भी होती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं दिखता यहाँ से। और ये मेरे कपड़े का स्टैंड मैंने यहाँ पे रखा है, कल मैंने कपड़े धो के दिए थे। तो देखिए बहुत ही बोरिंग बैल्कनी है, बस ये कुछ पेड़ है यहाँ से दिख जाते हैं। तो पार्थ अभी नहा के निकल चुके हैं, मुझे थोड़ा काम है, तो वो सब ख़त्म करके फिर मैं नहाऊँगी, आपसे मिलती हूँ तैयार होने के टाइम। नहा के आ चुकी हूँ और अभी एक बजने वाला है, आई गेस बज ही गया होगा, तो थोड़ा लेट हो गई हूँ। अभी जल्दी जल्दी तैयार होना है मुझे, आज अक्षय तृतीया भी है, तो आज के दिन शायद कुछ गोल्ड खरीदते होंगे। हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, तो और आप सभी को ईद मुबारक। अच्छा, वो आज हमारा लंच बाहर करेंगे, तो ईद स्पेशल लंच भी हो जाएगा। तो तैयार हो जाती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। तैयार हो गई हूँ और मैंने ये कुर्ती पहना है, तो बहुत लेट हो गए हैं, 2:15 हो चुका है, आज का लंच बहुत लेट होगा हमारा, 2 बजे तक तो खा ही लेते हैं। तो आसपास ही जाएंगे, तो थोड़ा पास ही जाएंगे पहले लंच के लिए। पहले सोचा था तो ड्राइव करके काजीरंगा की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, सो वो प्लान हमने ड्रॉप कर दिया। इधर पास में ही एक नया एथनिक रेस्टोरेंट खुला है, तो वहीं पे जाएंगे, उसके बाद शायद कहीं जा सकते हैं। तो चलिए, आधा घंटा हो चुका है खाने के इंतजार में। अच्छा नहीं लगा चटनी। और ये कॉलिन का ये क्यों है इधर? हमें कुछ साफ करना पड़ेगा, टेबल साफ करके फिर खाना खाओ या फिर खाना खा चुके हैं और पार्थ गए हैं
बिल पे करने। Few minutes later. दोस्तों खाना खा के घर वापस आ गए हैं और जाने तो वाले थे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन वहाँ खाना देते देते इतना देर उन्होंने किया, कहीं पे अगर गए तो फिर रात हो जाएगी और हमें थोड़ा मार्केट भी जाना है। और मेरे पीछे देखिए मिस्टर पार्थ, क्या हुआ, नींद आ गई क्या? हाँ खाना तो, खाने के बारे में कुछ बताओ, कैसा लगा खाना? तो मैं बताती हूँ, तुम्हारी आवाज़ पता नहीं सुनाई दे रही। खाना ठीक ठाक था लेकिन सर्विस बहुत स्लो था उनके, लग तो रहा था देख के कि सारे घर के ही लोग हैं शायद, अभी नया कोई स्टाफ भी नहीं रखा है, सिर्फ 3 लोग थे। तो नया खुला है इसलिए उन्होंने नया स्टाफ अभी शायद लिया नहीं, रखा नहीं, कुछ दिनों बाद शायद अच्छा होगा खाना भी और सर्विस भी। तो रेट कितना करोगे, रेटिंग? 3/5। तो 3/5 हम दे रहे हैं, 1-1.5 महीना बाद शायद अच्छा होगा। तभी जाना है कि नहीं, तुम तो लेट गए। हाँ ठीक है, 10 मिनट का नैप, 10 नहीं मैं तुम्हें 15 मिनट का नैप लेने देती हूँ। तो थोड़ा निकलेंगे बाहर। दोस्तों आधे घंटे का नैप लेने वाले थे पार्थ, लेकिन अभी कितने बज रहे हैं, अभी 4:45 बजने वाले हैं और मैं पी रही हूँ अमूल मस्ती छास। 3-4 मैं लाके एक साथ रख देती हूँ घर में, जब भी कुछ रिफ्रेशिंग पीने का मन करता हो तब मैं ये अमूल मस्ती पी लेती हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे, तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट, सीधे उधर घूम लेंगे पहले फिर जाएंगे मार्केट। तो मुझे लेने हैं जूते, वो जाके देखूंगी, अगर पसंद आया तो ले लूँगी। हील्स, मैं कंफर्टेबल शूज ही ज़्यादातर पहनती हूँ, तो वेजेस में ही देखूँगी। चलो चलो चलिए, कब जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे? लॉन्ग ड्राइव पे कब जाएंगे? यहाँ गाड़ियाँ भरती रहती है, आज यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है। पहले थोड़ा घूमेंगे। हाँ पानी है क्या इसमें? नीचे है शायद पानी। हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ एयरपोर्ट जाते हैं, दूसरा रास्ता भी है। तुम गए थे ना इस रास्ते से? वो आए थे। गौराली मार्केट, ऑफिस मिनट लगा ऑफिस का। ये देखो मैं सुन, ये देखो ऑफिस मिनट है फटाफट। देखो
দুটা কালার আছে না ওই এইটো আর আছে হে ফ্রেন্ডস ঘর वापस आ गई हूं और अभी 7:30 बज गए हैं तो जल्दी-जल्दी दिखा देती हूं मैं क्या-क्या मैंने क्या-क्या खरीदारी की है तो पहला है ये बेडशीट तो मैंने दिखाई दिया है खोल के अभी नहीं दिखाऊंगी बस थोड़ा सा ऊपर से ही दिखा देती हूँ बेडशीट है बेडशीट या बेड कवर जो भी नहीं बेडशीट ये बेडशीट है तो देखिए बहुत ही अच्छा फ्लोरल प्रिंट है इसमें तो ये छोटा सा जो पिलो कवर है वही खोल के दिखा देती हूँ है ना सुंदर ये रहा बेडशीट दूसरा जो चीज़ है वो है एक दिया लगभग 1-1.5 साल हो गया है जो मैं पूजा की थाली रखती हूँ भगवान के सामने वहाँ पे मैं दिया जलाती हूँ तो वो 1-1.5 साल हो चुका है मैंने लिया था वो तो इसलिए एक नया लेके आई हूँ पुराना हो गया है इसलिए मैं ये नया एक लेके आई हूँ और ये बड़े साइज का है थोड़ा तो देखिए सुंदर है ना इस तरह का ये डिज़ाइन लिया देखिए नीचे भी इस तरह का डिज़ाइन है पूरा और ये थोड़ा बड़े साइज का है उसी शॉप से मैंने ये दो कटोरा भी मैंने लिया कटोरी कटोरा कुछ भी बोल सकते हैं तो ये किचन के लिए स्टील का है और मेट्रो से मैंने ये जूते भी लिए हैं मेरे लिए तो मुझे वेजेस ज़्यादा पसंद है इसलिए इस तरह इसे शायद प्लेटफॉर्म हील्स कहते हैं है वो जूते ये रोज गोल्ड हाँ रोज गोल्ड एक रोज गोल्ड ना जूता ये रोज गोल्ड कलर में है मेरे जो इंडियन ड्रेसेस है उसके साथ ज़्यादा जाएगा मैं ज़्यादातर कुर्ती पहनती हूँ तो ये उसके साथ मैच होगा पहन के दिखाती हूँ इसका लुक कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा लेकिन अगर आप इसे ऐसे देखें तो बहुत सुंदर है ये और ये और इसका सोल बहुत ही सॉफ्ट है कंफर्टेबल है तो सो दैट्स इट दोस्तों बस इतनी ही थी मेरी आज की खरीदारी तो अभी मुझे चेंज वेंज करके किचन में दौड़ना है ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली एकदम सिंपल कुछ खाएंगे क्योंकि लंच हमारा बहुत देर से हुआ था सो एकदम सिंपल कुछ बनाऊंगी वीडियो को अभी एंड करूंगी कैसा लगा आपको ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो करें सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स